हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये करीब 11 बजे का टाइमिंग है और मैं निकल रही हूँ घर के लिए। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो ये देखिए, मेरी सारी तैयारी हो गई, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और सारी तैयारी हो गई है। और मैं बस 1 वीक के लिए ही जा रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। और जो है मेरा सामान वगैरह भी ज़्यादा नहीं है अभी लोगों को। ये देखिए, बस एक ही बैग है और मैं और आरू, बस यही हम ही दोनों लोग जा रहे हैं। देखिए आरू भी तैयार हो गया है। आरू हाय हाय करो। तो बस मैं और आरू दोनों लोग निकल रहे हैं और टाइम हो चुका है निकलने का। तो बस मैं और आरू जा रहे हैं, बड़ा वाला बेटा भी नहीं जा रहा है, वो बोल रहा है नहीं जाऊंगा। तो बस मैं होली के बाद फिर वापस आ जाऊंगी। और चलिए फिर निकलते हैं, लेट हो रहा है और घर का भी सारा काम वगैरह खत्म हो गया है। तो बेटा और हस्बैंड नहीं जाएंगे, मैं और आरू दोनों लोग जा रहे हैं। और यहाँ से ना, लखनऊ से मेरा घर केवल 4 से 5 घंटे का रास्ता है। तो बस मैं अकेले ही जा रही हूँ, अमृत नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड बस पहुँचाने ये लोग जा रहे हैं बस स्टॉप तक। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो यहाँ फिर हम लोग रास्ते में मतलब आ गए थे और हम लोग ऑटो से जा रहे हैं बस स्टॉप तक। बस स्टॉप जाने में करीब 1 घंटा लग जाएगा हम लोगों को। तो बस हस्बैंड और बड़ा वाला बेटा नहीं जा रहे हैं, बस मैं और आरू दोनों लोग जा रहे हैं और 1 वीक के लिए ही जा रहे हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगे। तो हस्बैंड और बेटा दोनों लोग फिर आ जाएंगे हम लोग को बस स्टॉप तक छोड़ के। तो बस ये रास्ते का व्यू है। उसके बाद बस स्टॉप पे हम लोग जाने के बाद बस पकड़ लिए थे और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ, घर पहुँच चुकी हूँ। करीब रात के 8 बज गए थे उस समय। तो यहाँ भाभी लोग बना रही थी चावल का फरा, तो सब लोग बैठे हैं। करीब मुझे आधा घंटा हो गया पहुँचे हुए। हेलो एवरीवन, तो ये ना दूसरे दिन मॉर्निंग का वीडियो है। कल मैं लखनऊ से आई हूँ और शाम को मैं यहाँ पहुँची थी ना, तो करीब रात हो गया था, 7-8 बज गए थे, तो लेट हो गया था। उसके बाद का वीडियो मैंने नहीं शूट किया है। फिर ये दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे का है वीडियो। और अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ, सारा मतलब भाभी लोग अपना काम कर रही हैं और फिर मुझे जाना है डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, तो आज मुझे वहीं जाना है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग का ज़्यादा मतलब कुछ और शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी तैयार होना था और इसलिए मैं जो है निकल रही हूँ जल्दी जल्दी में। लेट भी हो रहा है, तो मैं चल रही हूँ डॉक्टर को दिखाने, मतलब खुद को दिखाना है। इसलिए तो मैं लखनऊ से यहाँ आई हूँ, मतलब मेरा दवा यहाँ चल रहा है ना, तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए मैं आई हूँ। तो बस मैं चल रही हूँ डॉक्टर के पास और उसके बाद वहाँ का भी हो सकेगा तो थोड़ा वीडियो मैं आप लोग के साथ मतलब शेयर करूँगी, थोड़ा कुछ शूट करूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो इधर ना, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं अपना तैयार हो रही थी और इधर भाभी लोग अपना मतलब बर्तन वगैरह धुल रही थी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई थी ना, तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे और वही जो बर्तन वगैरह था, तो दोनों लोग मिलके धुल रही हैं। दोनों भाभी हैं, छोटी और बड़ी दोनों लोग हैं। और उसके बाद फिर लंच वगैरह ये लोग बनाएंगी। तो बस वही फटाफट से बर्तन धुल रही हैं। तो बस ये लोग अपना काम कर रहे हैं और मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मायका ब्लॉग है ये, तो यहाँ का मतलब रूटीन वगैरह तो सब कुछ दिखाऊंगी। और ये मेरी बहन है, मतलब मुझसे छोटी है, तो मतलब कुछ सामान वगैरह फैला था तो वही समेट रही है। तो बस उसके बाद फिर मैं मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने सोचा चलो ये थोड़ा ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। और करीब मैं दोपहर के 1 बजे डॉक्टर के यहाँ गई थी और इधर देखिए यार उसी कैसे खा रही है, जैसे कृष्ण भगवान मिट्टी खाते हैं ना वैसे ये खा रही है। इसका एक्टिंग देखिए आप लोग। सब लोग अपने अपने कामों में लगी हैं, ये बहन है और सब लोग मिलके गुजिया बनाने जा रही हैं, क्योंकि कल है होली। तो आप लोगों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। तो कल है होली और आज ही गुजिया वगैरह बन रहा है, क्योंकि कल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो भाभी बहन सब लोग मिलके बना रही हैं और छोटी भाभी लंच की तैयारी करेंगी।
और ये लोग अपना बहन और बड़ी वाली भाभी गुजिया बनाएंगी मिलके, और छोटी वाली भाभी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह सब लोग कर चुके थे और बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गया था, तो बस लंच बनाएंगी, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये सब होने के बाद फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, क्योंकि मैं बता रही ना मैं दोपहर में 1 बजे गई थी, तब तक ये सब काम ख़त्म हो गया था, तो मतलब गुजिया बनाने वाला ही काम चल रहा था। तो ये देखिए ये लोग अपना मिलके बना रही हैं दोनों लोग, और छोटी वाली भाभी अपना लंच की तैयारी कर रही हैं किचन में, तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि वो लंच में क्या बना रही हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं छोटी भाभी क्या बना रही हैं। तो ये बना रही हैं कटहल की सब्ज़ी, ये देखिए इन्होंने कट करके रख लिया है, और ये 2-3 प्याज भी है कट करके इन्होंने रख लिया, ये सिलबट्टे का मसाला है, तो हल्दी धनिया काली मिर्च जीरा और गरम मसाला और दालचीनी वगैरह सब कुछ है। तो बड़ी भाभी बोली कि लाओ मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, चावल और दाल रोटी तुम बनाओ मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, तो बड़ी भाभी मतलब सब्ज़ी बना रही हैं, और उधर बहन और छोटी भाभी गुजिया की तैयारी कर रही हैं। तो बस फटाफट से ये सब काम हो रहा है, तो बस उन्होंने आयल डाल दिया है, उसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है इन्होंने, और थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा तेज़पत्ता वगैरह भी पड़ा है, आगे मैं दिखाऊँगी इधर है आगे। तो बस ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें उसके बाद मसाले वगैरह ऐड करेंगी। तो ये बस जब तक प्याज पक रहा है तब तक ये देखिए इसमें तेज़पत्ता वगैरह भी गया है, 3-4 तेज़पत्ता पड़ गया है, और प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया था, अच्छे से भून गया था। तो इसमें जो सिलबट्टे का मसाला है और वो डाल देंगी, तो ये देखिए डाल के अच्छे से भून लेंगी, उसके बाद जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो सब्जी भी डाल देंगी इसमें ऐड कर देंगी। और कुकर में बना रही हैं तो 2 सीटी आने तक इसको जो है 2 सीटी लग जाएगा, तो फिर इसको जो है गैस को ऑफ कर देना है, बस मसाले अच्छे से पड़ जाएं, उसके बाद कटा हुआ कटहल डाल देंगी। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए थे, और जब मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगी थी ना, तो इन्होंने कटा हुआ जो कटहल है इसको ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के और 2 सीटी तक इन्होंने गैस पे पकाया इसको, उसके बाद गैस ऑफ कर दिया है, तो सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो गई है। तो फिर इसके बाद चावल दाल रोटी भी बनानी थी, तो ये लोग अपना बना ली थी, तब मैं गई थी 1 बजे, 1 बजे तक लंच रेडी हो गया था। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ दिखाने डॉक्टर को, बस्ती में मुझे दिखाना था डॉक्टर को, तो मैं वहीं आई हूँ दिखाने, और 1 बजे आई थी तो मैं करीब 1:30 बजे पहुँच गई थी डॉक्टर के पास, तो मैंने दिखा लिया था, क्योंकि जैसे मैं आई तुरंत नंबर लग गया था, और मैंने दिखा भी लिया 10 मिनट के अंदर ही मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था। और दिखाने के बाद दवा वगैरह जो लिखे थे ना सारा जो है मैंने ले लिया था, मतलब मम्मी ले रही हैं, वो मेडिकल स्टोर था जो मैंने आपको दिखाया है, अंदर ही मेडिकल स्टोर भी है, तो मम्मी वही दवा ले रही हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो उसके बाद दवा वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मुझे, तो करने के बाद फिर घर जाऊँगी, और उसके बाद ये वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी। और कल होली है, तो कल का ब्लॉग आप लोगों को जल्दी ही मिलेगा। तो आज का ये ब्लॉग बस इतना था फ्रेंड्स, कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं कल के होली वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।